नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध जी, जो कि किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसा क्यों कहा? और ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये अपने आप में हिंदू है या नहीं। जी सर, धन्यवाद बेटे, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। मन प्रसन्न हो गया आपका सवाल सुन के, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का ये आधार स्तंभ है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों के लिए ये लॉन्चिंग पैड है। बाबा साहब ने एक ऐसे ऐतिहासिक झूठ का पर्दाफाश किया अपने इस बयान के माध्यम से, जो देखते ही बनता है। बाबा साहब ने ये बयान येवला में दिया था, नासिक के पास एक येवला है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ उनका ये भाषण है मुक्ति कौन पथे, उसमें ये उनके विचार आए हैं। असलियत तो ये है कि बहुजन लोग हिंदू नहीं हैं। कारण ये है कि बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, द अनटचेबल्स, उसमें उन्होंने 1911 का सेंसस कमिश्नर की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है उसका विवेचन है। तो जो हिंदू नहीं है यानी कि अनटचेबल्स, वो हैं जो अपने घर में ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं, जो ब्राह्मणों के त्योहारों को नहीं मानते हैं, जो अपने मुर्दों को जमीन में गाड़ते हैं। इस तरीके से 10 बिंदु उन्होंने दिए हैं। तो उसके आधार पर तो हम हिंदू हैं नहीं। अब तुम हमको अगर हिंदू बनाते हो और अधिकार हमें देते नहीं हो, सुविधा हमें देते नहीं हो, मान सम्मान हमें देते नहीं हो, चाहे हम राष्ट्रपति बन जाए तो फिर भी हमें धकियाया जाता है, और फिर भी तुम कहते हो हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू हैं, क्या देता है तुम हिंदू होने का? ये सब षड्यंत्र इलेक्शन जीत कर, इलेक्शन के टाइम में तो हमको हिंदू बना देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए हमको हिंदू बना देते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इन्हीं लोगों को जिनको हिंदू कहा था कि चीनो इनका रजिस्ट्रेशन, चीनो इनका रिजर्वेशन, चीनो इनकी सुविधाएं, तो ये सब क्या है? ये तो दोगली नीति हो गई ना। तो आज हिंदू धर्म किसी भी दृष्टि से हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म जबकि ये जो जब उन्होंने बाबा साहब ने ये बात कही थी कि मैं उस धर्म में मरूंगा नहीं जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, उस समय तक ये क्लियर नहीं था कि बाबा साहब किधर जाने वाले हैं। मगर बाबा साहब के आचार विचार को देखकर, उनके रंग ढंग को देखकर पता चलता है कि बाबा साहब जब 10वीं कक्षा में पास हुए थे अच्छे नंबरों से, और उनका सम्मान हुआ था, एक नागरिक अभिनंदन हुआ था उन्हीं की कॉलोनी में, तो उनके जो एक बड़े थे जिनको गुरु भी माना उन्होंने अपना, उनका नाम था अर्जुन जी कैलुस्कर, गुरुजी अर्जुन जी कैलुस्कर, उन्होंने उनको एक मराठी किताब दी थी जिसका नाम था भगवान बुद्ध। वो किताब अभी भी है, हमारे पास भी है। उसको पढ़ने के बाद बाबा साहब के दिलो दिमाग में बुद्ध की महिमा छा गई, बुद्ध का महत्व छा गया, बुद्ध की बड़प्पन छा गया। तो वो तो बुद्ध के हो गए तभी जब वो 8वीं क्लास उन्होंने पास की थी, मगर घोषणा करनी बाकी थी। घोषणा उन्होंने की 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर की पवित्र भूमि पर, हम हिंदू नहीं हैं। किसी भी तरीके से अगर हम हिंदू होते तो हमारे खिलाफ ये छूतछात का इस्तेमाल न करते, ये अगर हम हिंदू होते तो हमारे आरक्षण पर हमला ना करते, अगर हम हिंदू होते हमारी बस्तियों को ना जलाया जाता, अगर हम हिंदू होते तो हमारी जो बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती, मगर हमारे अगर कहीं खतरा है किसी से हमारी इज्जत को, हमारी आबरू को, हमारी अस्मिता को, तो इन्हीं लोगों के कारण है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इसका मतलब जो हमें पीटते हैं हम हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब वो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं हम हिंदू नहीं हैं, वो हमारा भविष्य धूमिल करना चाहते हैं इसका मतलब हम हिंदू नहीं हैं, वो हमें आरक्षण देना नहीं चाहते इसका मतलब हम हिंदू नहीं हैं, वो हमें कोई भी सम्मानजनक स्थिति में देखना नहीं चाहते जिसका मतलब हम हिंदू नहीं हैं। इस देश के जितने भी OBC हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये ना हिंदू थे ना हिंदू हैं, इन्हीं के खिलाफ इनके षड्यंत्र चलते हैं। हाँ, जब इनके बयान आते हैं ना बड़े शातिराना होते हैं, लगता है इनसे बड़ा तो हमारा कोई हित चिंतक ही नहीं है, मगर उसके पीछे जो कटार चलती है वो तो भैया षड्यंत्रों को थोड़े ही लोग समझ पाते हैं, हम तो उनको समझते हैं, हम तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए सावधान, इस देश के जितने भी बहुजन हैं
उनका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म तो उनको तबाह करने के लिए ये एक उनके ऊपर चादर डाली गई है, मगर ये धर्म उनको मुबारक। हम तो भैया अपने पुरखों के धर्म, जो हमारा धर्म है बौद्ध धर्म है, हम सब तो उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जाएंगे। सरकार का विरोध है, हर तरफ विरोध है। आप देखो न्यायपालिका हमारे विरोध में है, यहाँ की कार्यपालिका हमारे विरोध में है, यहाँ का मीडिया हमारे विरोध में है, सब हमारे विरोध में है। और तो जो नेता हमारे हैं जिन्हें हमारे लिए भागदौड़ करनी चाहिए, वो भी निकम्मे हमारे विरोध में है, वो भी अपने मालिकों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो अब हमें अपने बलबूते पर अपनी विरासत को पहचानना है, अपनी विरासत का अवलंबन करना है, अपनी विरासत को ढूंढकर उसका पालन करना है। आज की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम हिंदू नहीं हैं, मरते मरते भी कहेंगे हम हिंदू नहीं हैं। हम छोटे छोटे थे तो हम एक नारा लगाते थे, क्योंकि वो नारा पूना पैक्ट के समय में लगा था, मगर बात तक भी जिंदा रहा, हमारे बचपन तक जिंदा रहा। हम क्या बोलते थे, मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे, ये नारा होता था बचपन में हम गाते थे। वो हकीकत का नारा है, वो सच्चा नारा है, वो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का नारा होना चाहिए। ऐसा नारा है, हमारा हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा हिंदू धर्म तुम्हें मुबारक, हम तो तुम्हारे बगैर हिंदू धर्म के ही खुश हैं और बहुत खुशहाल हैं। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए भी और आप सब के लिए। मैं शांति स्वरूप जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने हमें बताया कि बहुजनों का सच और अस्तित्व क्या है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।